यस रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे जो रेलवे मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन में कुछ ऐसा रिवाज सा चल पड़ा है कि रेलवे मंत्रालय की मांगों पर आम बहस हो या उसकी मांगों पर विचार हो, हर एक मेंबर रेलवे के समक्ष कुछ न कुछ मांगे अवश्य रखता है। उन सब मांगों को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि रेलवे के पास 50 से 80 करोड़ रुपए की धनराशि बिल्कुल तैयार हो, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि ऐसी मांग करने से क्या होगा। जब हम मांग करते हैं तो हमारा यह भी तो कर्तव्य हो जाता है कि हम देखें कि रेलवे की जो आमदनी है या उसके पास जो धनराशि है वह कुल कितनी है, रेलवे को जो घाटा है और जो उसमें कमियां हैं जिनके कारण उसे घाटा हो रहा है उसकी तरफ भी हम दिमाग लगाएं और कुछ सुझाव हो तो मंत्री महोदय को दें। मेरे विचार में सबसे परेशानी की चीज यह है कि रेलवे में चोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में निकला था कि रेलवे में 2-3 लाख की रोज चोरी होती है और जहां जहां चोरी की घटनाएं होती हैं वहां से उस स्टाफ को हटाकर दूसरा स्टाफ रखा जाता है। यह एक बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन सोचने की चीज यह है कि क्या चोर पकड़े भी जाते हैं, कितनों को सजा होती है कितनों को नहीं होती है पता नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रेलवे एक्ट में अगर इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान न हो तो उस एक्ट में संशोधन लाए, और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि पूरा सदन उसमें उनका साथ देगा। रेलवे में चोरी बंद होनी चाहिए, यह देश के लिए और इस सदन के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा घाटा जो रेलवे में होता है वह बिना टिकट के यात्रियों से होता है। बिना टिकट के यात्री कौन होते हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस श्रेणी में थोड़े पढ़े लिखे लोग, मंचले लोग, बिल्कुल गरीब लोग और कुछ शहरों के विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है। बिना टिकट यात्रा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसके लिए जबरदस्त चेकिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भाग न सके। विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि ज्यादातर विद्यार्थी गरीब घर के होते हैं, 5-6 मील उनका स्कूल अथवा कॉलेज पड़ता है, साइकिल उनके माँ बाप उन्हें खरीद कर नहीं दे सकते, इसलिए उनके लिए कोई कम दाम का सीजनल टिकट चलाएं। मंत्रालय जितना सस्ते से सस्ता उसको कर सकता है करे, इससे उनको बिना टिकट यात्रा करने की बजाय पैसा देकर चलने की आदत पड़ेगी। अब मैं शिकायतों की तरफ आता हूँ। पहली शिकायत यह है कि हर स्टेशन के टिकट घर की खिड़की पर लिखा होता है कि रेल आने से 1 घंटा पहले खुलेगी, लेकिन देखा यह गया है कि गाड़ी आने तक भी नहीं खुलती, वह बंद रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं वे टिकट नहीं ले पाते और गार्ड साहब के डिब्बे के सामने भीड़ खड़ी रहती है। मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी मुस्तैदी दिखाई जाए ताकि भविष्य में ऐसा न होने पाए। दूसरी शिकायत यह है कि हमारे यहाँ कम से कम 3/4 छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां अधिकतर गांव के लोग आते हैं और चढ़ते हैं, लेकिन बड़े खेद की बात है कि इन स्टेशन को बिल्कुल छोड़ दिया गया है जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। इनमें शेड का प्रबंध किया जाना चाहिए, जहां पानी का इंतजाम नहीं है वहां
कम से कम पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। अगर बिजली की लाइन नज़दीक से गुजरती हो तो वहां टिमटिमाती रोशनी के बजाय वहां बिजली की अच्छी रोशनी का प्रबंध करना चाहिए ताकि मुसाफिरों को दिक्कत न हो। मैं तो यह भी निवेदन करता हूं कि इन स्टेशनों से अधिकतर गांव के लोग चढ़ते हैं जो बिना टिकट कभी नहीं चलते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैदल जाना पसंद करेंगे, लेकिन बिना टिकट यात्रा कभी नहीं करेंगे। तीसरी बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है मीटर गेज। बहुत से हमारे सहयोगियों ने यहां पर कहा है कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भाग जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर ज़्यादातर मीटर गेज ही है। यदि केंद्र सरकार वहां पर उद्योग भी लगाना चाहे तो तभी उद्योग पनप सकते हैं जब वहां ब्रॉड गेज हो। इसलिए वहां पर जब तक मीटर गेज रहेगी तब तक वहां पर पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं रेलवे मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। विराम समाप्त।